राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंचे थे, हम वालों से बात भी किए थे, क्या लगता है? तो सरकार आई, कांग्रेस आई, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस 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 आएगी। क्या कहेंगे कांग्रेस? महंगाई बढ़ रही है। वो तो बढ़ रही है ना, बीजेपी में बढ़ तो रही है। अब वो तो अंधभक्तों को तो गोबर भी गजक लगती है ना, है ना? अब बीजेपी वालों को तो आप गोबर भी खिलाओगे तो वो तो कहेंगे गजक है। सीधी बात, हिंदू मुसलमान की राजनीति अब नहीं होगी, कमलनाथ आएगा सीधे। वो पालक दिख रही है वहाँ, किसान उनकी तो ऐसी हुई पड़ी है भाई, कुछ नहीं है, सब फेक है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस आई थी पिछली बार भी, उन्होंने बिकाऊ सरकार बना ली फिर से अपनी, यही हुआ और इस बार भी यही करेंगे। इस बार भी बिक सकती है ना? हाँ भाई, यही करेंगे, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देखिए, देश दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो महंगाई है। महंगाई सबसे बड़ी, अब इस वक्त प्याज जो है वो आसमान उसके दाम छू रहे हैं। तो सीधे हम इस समय मौजूद है हबीबगंज मंडी में, जहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि महंगाई है या नहीं, या महंगाई की वाहवाही ऐसे ही हो रही है। तो सीधा हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे कि कितनी महंगाई है। वैसे बात करें तो प्याज की, तो प्याज आसमान छू रहा है। तो यहाँ पर सब्जी मंडी सीधे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ भी रखी हुई है। तो सीधे यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि कितनी महंगाई है, क्या ज़मीनी स्तर पर बात करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में महंगाई भी है और ज़मीनी स्तर पर क्या इसकी सच्चाई है, लोगों से बात करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, सब्जी मंडी है, किस तरह का माहौल है सब्जी मंडी में, क्या महंगाई है सच में? महंगाई है, मेथी मूली पालक सस्ता बिक रहा, 120 रुपए के रेट, 150 रुपए, टमाटर 1200 रुपए के रेट, 1400 रुपए के रेट है, खीरा 1500 रुपए के रेट है, प्याज चल रही है 60 रुपए, 80 रुपए, आलू चल रहा 15 रुपए, 70। सही बोल रही है, महंगाई है अभी इस समय में, समय में हर चीज महंगाई चल रही है। मटर महंगाई है, महंगाई तो भाई टमाटर मेटर हर महंगाई। राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंचे थे, हम वालों से बात भी किए थे, क्या लगता है? बोल, सरकार आई, कांग्रेस आई, कांग्रेस आएगी इस बार? कांग्रेस कांग्रेस तो आनी है यार, कांग्रेस कांग्रेस आई। क्या कहेंगे कांग्रेस? महंगाई बढ़ रही है। वो तो बढ़ रही है ना, बीजेपी में बढ़ तो रही है। अब वो तो अंधभक्तों को तो गोबर भी गजक लगती है ना यार, है ना? अब बीजेपी वालों को तो आप गोबर भी खिलाओगे तो वो तो कहेंगे गजक है। सीधी बात, हिंदू मुसलमान की राजनीति अब नहीं होगी, कमलनाथ आएगा सीधे, है ना? मतलब बीजेपी के नफरत की राजनीति कर रही है। और क्या, सबको तो पता है, अभी भी बैनर कैसे, बैनरों पर देखना राम मंदिर के ही फोटो लगे, यही लगे हैं ना, कि हमने भव्य लोकार्पण करवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, इसी के उससे बाकी और कुछ लगवा के दिखाओ क्या हमने क्या करा। नहीं, मुख्य शिवराज सरकार में कुछ तो काम हुए होंगे। कुछ नहीं, बस हमारी बीवी को 3000 रुपये तक अभी तक नहीं मिले, बस 1200 मिलना है, इसके बाद चुनाव के बाद ये भी बंद हो जाएंगे, चुनाव के बाद ये भी बंद हो जाएंगे। आपको हम बता रहे हैं, ये 17 के चुनाव होने के बाद देखो, एक बार किस्त मिली तो मिली, नहीं तो वो भी बंद। दावे करो भैया। तो दावे तो अच्छे करते हैं ना, 50 रुपये क्रेट पालक बिक रही है, 30 रुपये क्रेट बिक रही है, टमाटर बिक रही है, वो पालक बिक रही है वहाँ, किसान उनकी तो ऐसी ऐसी हुई पड़ी है, सही बात। क्या करेगा? देखिए, कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन क्या पता बीजेपी फिर वापस तोड़ फोड़ के सरकार बना ले। तो भाई बस यही है, सरकार तो कांग्रेस की पुणे में राज करेगी, ये तो गद्दार लोग हैं यार। देखो, इनको आज़ाद किसने कराया? कांग्रेस ने अंग्रेजों से, और उन्हीं के पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं ये लोग बीजेपी। भाई ना, है ना, गांधी जी को किसने मारा? नाटूराम गोडसे ने। लेकिन ये सपोर्ट किसको करते हैं? गोडसे को ही है ना, उन्हीं को सपोर्ट करते ना। तो जब ये अंग्रेज अपन के वफादार नहीं हुए तो अब जनता के क्या होंगे? शुरू से गद्दार रहे हैं ये लोग और पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। अभी ये जीत गए, हारना तो तय है, हारना तय है, जैसे पिछली बार थे, बस इनका नोट है, पैसे से ही ये कवर करेंगे अपने आपकी राजनीति। युवा के लिए, युवाओं के लिए क्या कर रही सरकार? युवाओं के लिए बताओ ना भाई, युवाओं के लिए भैया कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं, सारे युवा हमाली कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं हो रही, हमाली बनी नहीं रही। हाँ, युवाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही भाई, किसी के लिए कुछ नहीं कर रही, ये तो अभी बस अंधभक्त चल रहा है। दावे होते हैं बड़े बड़े, बात बड़े बड़े, आपने देखा नहीं कौन बनेगा करोड़पति में? शिवराज सिंह चौहान की सीधी पोल खुली है, यही बोला था ना, कैसा कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो वादे करके भूल जाता है? तो उसमें अमिताभ ने सीधी एग्जिट पोल में वही बताया था ना, चलो कल आना, अभी रुक जा थोड़ी देर, यही बोला था ना, यहाँ तो इंडिया लेवल पे बताया ना, करोड़पति तो अच्छा चैनल है ना सोनी पे, उस पर भी क्लियर हो गया कि खाली दावे होते हैं झूठे। महंगाई बढ़ रही है, अरे सुअर बना दी, इतनी महंगाई है कि यार
तेल भाई कम होगा भरा है, सब तो महंगा है। दो साल उसकी शादी आगे बढ़ गई, महंगाई के चक्कर में मेरी तो शादी हो गई, कौन झूठ बोल रहा है ना, पहले हो रही थी। देखिए युवाओं के लिए बड़े बड़े दावे होते हैं भाई, कुछ नहीं है, सब फेक है, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस आई थी पिछली बार भी, उन्होंने बिकाऊ सरकार बना ली फिर से अपनी, यही हुआ और इस बार भी यही करेंगे। इस बार भी बिक सकती है ना? हाँ भाई यही करेंगे, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि वापस कांग्रेस आएगी तो इन सबका समस्या को समाधान हो सकता है? भाई बिल्कुल करेगी, राजस्थान में दे तो रहा 450 का सिलेंडर, यहाँ भी देगा, बिजली के बिल दे तो रहा 100 यूनिट, फिर यहाँ भी देगा, क्या इशू है? जब वहाँ दे रहा तो यहाँ भी दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 मिनट होने, अरे सर कांग्रेस आएगी तो क्या इन सभी समस्याओं के समाधान होंगे? बिल्कुल होंगे, पहले भी था ना, हमारे मनमोहन जी जो थे चुप थे लेकिन काम कराते थे, चुप थे काम कराते थे, भाइयों बहनों। मोदी जी नहीं कराते, ये सब आप जानते ही हो। मोदी जी तो भाइयों ये करूंगा मैं वो करूंगा, यही चलता है, सीधा सिर्फ यही चलता है। बाकी कांग्रेस 15 लाख हमारे, हाँ अभी मोदी जी से 15 लाख रुपए चाहिए भाई, हमारे 15 लाख मोदी जी के पास हैं, वो तक तो दे नहीं रहे, रोजगार क्या देंगे? आपको खुद पता है कि हर इंसान के पास 15 लाख देने का दावा करा था मोदी जी ने, आज तक नहीं आए। तो सिर्फ ये है, जादूगर आनंद की जगह जादूगर मोदी जी और जादूगर शिवराज सिंह चौहान, ये सब जादू चल रहा है। बाकी सरकार जो है बीजेपी में सारे गद्दार भरे पड़े, आप देख लो सिंधिया जी जो गए वो भी गद्दारी करके गए, कांग्रेस से गए ना? हाँ तो गद्दारी तो करी ना भाई, गद्दारों की पार्टी है टोटल, आपके पास जो जो जा रहा है सब गद्दार हैं, एक भी बता दो क्या अच्छा हो।